तो जय श्री राम आप सभी भाइयों को। तो कहाँ है आदि पुरुष का ट्रेलर? कहा जा रहा था कि रामनवमी के उपलक्ष्य में आदि पुरुष का ट्रेलर आने वाला है, जहाँ यहाँ से हमें उनका जो है नया चेंजेस जो है देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ है भाई आदि पुरुष का ट्रेलर? यह है आपका ट्रेलर, एक नया पोस्टर दे देते हो। वो भी पोस्टर के नाम पर क्या है, भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता लखन सहित हनुमान जी का जो है पोस्टर का जो कॉपी, और वो भी इतना भद्दा कॉपी जिसमें मजाक किया जा रहा है भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता के लुक के साथ। तो इस पोस्टर में सबसे पहले नज़र आती है प्रभास पर। तो प्रभास के आपको फेस को देखोगे तो उनके फेस पे एक स्माइल टाइप का दिख तो रहा है, लेकिन उनके फेस में जो बाहुबली और जो तेज था, जो बाहुबली फिल्म में जो तेज है, आप इमेजिन कीजिए, आप सीन टू सीन को आप देख सकते हैं। तो ये जो तेज है पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है, पता नहीं ये किसी मशीनिक रोबोटिक फेशियल रिएक्शन जैसे दिख रहा है। वही देखो हनुमान जी की फिर से दाढ़ी को बड़ी बड़ी ही रखा गया है, जबकि हनुमान जी को इस बार भगवा वस्त्र पहनाया गया है, लेकिन वही श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता से ये जो है सफ़ेद वस्त्र, माता सीता सफ़ेद वस्त्र में क्यों है, सॉल क्यों ओढ़े हुए हैं? माता सीता कोई विधवा थोड़ी है जो उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहना दिया गया सन्यासी के भेष में, उन्हें भगवा वस्त्र धारण करने, पता नहीं बॉलीवुड वालों को या ओम राउत को क्या तकलीफ है, या फिर इन्हें मजबूरी में ऐसा बनाया जा रहा है। सम्राट पृथ्वीराज, बाजीराव मस्तानी, पानीपत जैसे फिल्मों को बॉलीवुड जानबूझकर बर्बाद कर चुका है। उसी प्रकार से लग रहा है कि रामायण को भी बॉलीवुड के द्वारा ज़बरदस्ती का इसको बर्बाद किया जा रहा है, लोगों के मन में गलत छवि बनाने के प्रयास किया जा रहा है। और आप लक्ष्मण भैया के रेटर बनने वाले, इनकी तो बात मत करो, इनका नाम भी क्या मेरे को पता नहीं है, लेकिन इनके फेशियल रिएक्शन देखो भाई, इतनी ओवर एक्टिंग, और ये क्या है, ये नॉनसेंस की तरह रिएक्शन दिया गया है इसमें। इनके फेस को देख रहे हैं आप, कोई मतलब 1% का भी ये कोई रिएक्शन, या फिर इनको जो है फेशियल रिएक्शन कहा जाए कि क्या कहा जाए, इनमें एकदम रोबोट की तरह खड़ा कर दिया गया है। और पता नहीं इन्हें कौन सा चमड़े का टाइप से, फिर कौन से मटेरियल का इनको कवच पहना दिया गया, जबकि सन्यासी भेष में 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। तो आपने पिछले ट्रेलर में देखा होगा इनको जो है कुछ, इनको चमड़े टाइप का कुछ मटेरियल का इन्हें जो है चप्पल या जूता भी पहना दिया गया, जबकि सन्यासी भेष में उन्हें जो है वो अपना पादुका तक धारण नहीं करते। भरत जी देखिए, उनका पादुका स्वयं लेके जाते हैं, वो खड़ाऊ तक धारण नहीं करते क्योंकि सन्यासी भेष में रहते हैं वो। न जाने इन्हें कौन सा आर्मर पहना दिया गया है मुगलों के ज़माने का। तो बॉलीवुड से बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, कुछ चेंजेस होंगे इसमें जो है, रामायण को बिल्कुल बर्बाद किया जाएगा। मैं तो कहता हूँ इस फिल्म को बैन कर दो तो उसी में भलाई है, क्योंकि ये जो है हमारे रामायण की बहुत गलत छवि बनाने के प्रयास किया जा रहा है। इससे भी अच्छा अच्छा हमने रामायण द एपिक एनिमेटेड रामायण, और रामायण के हमारे इतने सारे टीवी सीरियल्स पड़े हुए हैं, आप उसको देख लो। वैसे भी देखने की आवश्यकता, सब बच्चे को भगवान श्री रामचंद्र की कथा के बारे में पता है। तो रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जो बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।